केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं की ओर खास ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें 500 टॉप के कंपनी में इंटर्नशिप करने से लेकर पीएफ में सरकार की तरफ से बड़ा योगदान जैसी घोषणाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं कि युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं की हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकारी नौकरी में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ में योगदान दिया जाएगा। यह ऐलान प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की 9 प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। वित्त मंत्री ने यह बताया कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वाले लोगों को ईपीएफ में पहली बार रजिस्टर करने पर 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। यह योगदान डीबीटी के जरिए 3 किश्तों में जारी होगा। इस तरह युवाओं को भविष्य निधि यानी पीएफ में एक महीने के योगदान के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा। बजट में की गई इस घोषणा को नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांती ने दूरदर्शी उपाय बताया है। बजट में रोजगार की कई योजनाएं हैं। पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए एक योजना है, जहां सरकार 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक का भुगतान करेगी। ये एक ऐसी योजना है जहां ईपीएफओ योगदान से नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। तीसरा, नौकरी पाने वालों को जहां नौकरी पैदा हो रही है, नियोक्ता को 2 साल की अवधि के लिए 3,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इसलिए ये रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के संदर्भ में बहुत दूरदर्शी उपाय किए गए हैं। इन सब के अलावा पर्यटन, औद्योगिक गलियारों, शहरीकरण पर भी फोकस है। इस बजट का मुख्य आकर्षण रोजगार सृजन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सरकार टॉप की कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप करने का मौका देगी। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना है। यह इंटर्नशिप युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। साथ ही इंटर्न को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के लिए 1 साल का अनुभव मिलेगा और हर महीने 5,000 इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलेगी। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना से करीब 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा। बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हाल ही में हुए आम चुनावों में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस बार बजट में युवाओं पर केंद्र सरकार ने खास फोकस किया है और उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।